हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सेवनटीन स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम स्टार्स आपको पता है ना आप रात को अगर स्काई में देखते हो तो ढेर सारे छोटे 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 चबकते हुए दिखाई देते हैं ठीक है और सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये सारा हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर चैप्टर नंबर सेवनटीन पहली एंड बुझो आप इनके बारे में तो जानते ही हो ना पहली और बुझो के बारे में ठीक है ये कहाँ गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए वहाँ पर उन्होंने वो समर वैकेशन्स में गए थे जब उनकी गर्मियों के टाइम में छुट्टियाँ हुई थी उस टाइम गए हुए थे तो आफ्टर डिनर के बाद वो क्या किए रूफ पर गए घर के छत पर गए ठीक है इट वॉज ए क्लियर क्लाउड

नहीं देखा था जैसे आप यार देख पा रहे हो डायग्राम में कि ये बुझो पहले खड़े हुए और इस स्काय में बहुत सारे स्टार्स क्या कर रहे हैं देख रहे हैं और ये कहाँ उन्होंने देखा ये विलेज में गए थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर वहाँ देखा पहली वंडर्ड वाई विलेज स्काई वाज सो तो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटी अब पहली जो आश्चर्यचकित हो रही है वो कह रही है कि जो गाँव का स्काय है जो विलेज का स्काय है वो अलग क्यों है बिग सिटीज से हर ग्रैंड एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट स्काई ड्यू टू द ब्राइट लाइट एंड इन द बिग सिटी इज रेयरी क्लीन क्लियर नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी ए फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस क्या होता है कि आ, जो उनके ग्रैंड थे उन्होंने रिप्लाई किया पहली के क्वेश्चन का पहली जो आश्चर्य थी कि ऐसा विलेज में क्यों है कि हमें इतने सारे स्काई ब्राइट चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहरों में ऐसा क्यों नहीं है रात को वहाँ जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है तो उनके ग्रैंड पैर ग्रैंड फादर जो थे उन्होंने जवाब दिया एक्सप्लेन किया उसे कि जो रात के समय में जो शहर होते हैं उनकी जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती एक तो उसमें बहुत सारी लाइटें होती है लाइट की चमक होती है वहाँ पे डस्ट बहुत होता है पुल्यूशंस बहुत होते हैं बड़ी बड़ी सिटी में इसलिए वहाँ पे जो स्काई है वो क्लीन नहीं दिखाई देता है स्काई क्लीन नहीं दिखाई देता है इसकी वजह से सारे स्टार्स जो है अपनी जगह पर अच्छे से नहीं दिखाई देते और वो ब्राइट लाइट की वजह से वहाँ क्लियर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से स्टार्स जो है वहाँ पे इतने क्लियर नहीं दिखाई देते हैं और विलेज में क्या होते हैं बहुत साफ सुथरा होता है वहाँ पे कोई डस्ट स्मोक नहीं होता है ठीक है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती हैं ब्राइट लाइट्स नहीं इतनी होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्काई है इजीली दिखता है और आसानी से सारे स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क क्लियर नाइट यू सी द एंटायर स्काई डॉट विद द काउंटलेस स्टार्स सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट observe them carefully. Do all them appearance to twinkle? Do you find any star like object which does not twinkles? The object which do not twinkle are planet. अब आपने अगर आसमान में स्काई में देखते हो तो कई चीज़ें तो आपको ट्विंकल करती हुई दिखाई देती हैं और कुछ ट्विंकल करती हुई नहीं दिखाई देती हैं तो ये आपने ध्यान रखना है जो ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रही हैं वो क्या होते हैं स्टार्स और जो ट्विंकल नहीं करते हैं वो क्या होते हैं प्लेनेट ठीक है तो द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई एक मून है जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है रात में आसमान में द स्टार एंड प्लेनेट द मून एंड द मैनी अदर इन द स्काई आर कार सिलिशियल ऑब्जेक्ट जो सिलिशियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो भी हम आकाश में जो भी मून देख रहे हैं या फिर प्लेनेट देख रहे हैं या फिर स्टार्स मतलब जो भी देख रहे हैं स्काई में वो क्या होते हैं सिलिशियस ऑब्जेक्ट होते हैं ठीक है आर द सिलेशियस ऑब्जेक्ट सिमिलर लेट अस फाइंड आउट अब ये देखना है हमें कि क्या सारे सिलिशियस ऑब्जेक्ट देखने में एक जैसे होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे मून के बारे में ठीक है ऑब्जर्व द मून जो है कॉन्टीन्यूसली फॉर सर्वर नाइट आपने अगर मून को देखा होगा रात के समय में प्रिफेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट मेक ए स्केच ऑफ ए मून एवरी नाइट इन यूर नोटबुक एंड नोट फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून आल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काईस्ट और वेस्ट इन द दिच द मून इज सीन तो आपने ये देखना है कि किस मून जो है किस साइड से किस साइड को दिखाई दे रहा है और आप एक पिक्चर बनाओ डायग्राम बनाओ एक दिन से कि आज मून कैसा दिखाई दिया नेक्स्ट डे कैसा दिखाई दिया ठीक है थिके? और फुल मून कब था ठीक है ये सारी आप पिक्चर बनाओ तो आपको पता लगेगा कि किस दिन कैसा मून था जैसे कि आप देख रहे हो पहली किस तरीके से बना रही है कि एक दिन उसने फुल मून फिर धीरे धीरे मून क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखो यहाँ पर मून क्या हो रहा है यहाँ पर कम होता जा रहा है धीरे धीरे ठीक है उसके बाद क्या होता है सिर्फ एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही रह गया है तो इसमें हम देखते हैं तो इज़ ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे ठीक है क्या मून रोज अपनी शेप चेंज करता है आर देयर डे व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड मतलब एक शेप ऐसी भी होती है मून की कि जो परफेक्ट राउंड होती है आर देयर डे व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट द इवन इफ द स्काई इज़ क्लियर कई बार ऐसा होता है कि आसमान साफ है फिर भी मून हमें दिखाई नहीं देता है द डे ऑन विच द वर्ल्ड इज द मून इज विजिबल इज नॉन एज द फुल मून डे जिस दिन हमें जो है मून पूरी तरीके से फुल दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं फुल मून डे मतलब पूरी तरीके से आसमान साफ है और हमें मून पूरा गोल सर्कल क्लियर दिखाई दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं फुल मून डे देर आफ्टर एवरी नाइट अगर हम उसके बाद देखें हर रात को तो क्या होता है साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एपियर टू बिकम थिनर एंड थीनर तो धीरे धीरे जो ब्राइट पार्ट होता है वो कम 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 होता हुआ दिखाई देने लगता है टू बिक ऑन द फिफ्टींथ डे द मून इज नॉट विजिबल मतलब फिर पंद्रह दिन बाद ऐसा होता है कि वो मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो द डे इज नॉन एज द न्यू मून डे तो इस दिन को क्या बोलते हैं न्यू मून डे The next day only a small portion of the moon appear in the sky. और जब वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया उसके बाद फिर से जब वो दिखना शुरू होता है तो सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन ही दिखाई देता है This known as the इस ये जो इस तरीके का मून होता है उसे जो है क्रिसेंट मून कहते हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से आपने मून का देखा कि किस तरीके से मून की पोजीशंस चेंज हो रही है पहले फुल मून होता है फिर धीरे दिर धीरे मून की पोजीशंस कम होती जाती है फिर एक टाइम ऐसा होता है कि मून पूरा डार्क हो जाता है क्लियर स्काई होता है तब भी हमें नहीं दिखाई देता है ठीक है तो इस तरीके से फिफ्टीन डे में मून जो है अपनी पोजिशन को चेंज करता रहता है द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एस सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कार द फेसिस ऑफ द मून मतलब हम इस तरीके से जो मून के अलग अलग फेसेस को देखते हैं पूरे मंथ में मतलब पूरे शेप को अलग अलग देखते हैं उसे क्या बोलते हैं फेसेस ऑफ मून द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून मतलब एक फुल मून से नेक्स्ट जो फुल मून का टाइम आता है वो एक लंबा टाइम होता है लगभग वो ट्वेंटी नाइन डेज का होता है इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज़ कार्ड ए मंथ और बहुत सारे कैलेंडर में इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं मंथ बोलते हैं ठीक है तो ये हमारा हो गया मून के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया है ठीक है अब इसकी किस तरीके से इसके मून जो है विजिबल दिखा होता है किस तरीके से विजिबल नहीं होता है सन की लाइट उस पर कैसे पड़ती है किस वजह से ये फेसेस बनते हैं ठीक है थीके? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि मून के फेसेस क्यों और कैसे बनते हैं